नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांगर और देख रहे हैं मेरे चैनल ग्लोबल व्यापार, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुरियर मोड और कार्गो मोड कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा, बहुत ही छोटी वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये क्लियर हो जाएगा कि आपको अपना प्रोडक्ट कुरियर से भेजना है, कुरियर मोड से भेजना है या कार्गो मोड से भेजना है। दोनों का बेसिक डिफरेंस भी मैं बताऊंगा कि क्या होता है। तो बिना वेट के चलिए शुरू करते हैं, मैं सीधा टॉपिक पे आऊंगा कि कुरियर मोड और कार्गो मोड में फर्क क्या होता है। देखिए, कुरियर मोड में, कुरियर मोड वो होता है जैसे कि आपने नाम सुना होगा, फेडेक्स, यूपीएस, टीएनटी, डीएचएल। ये जो अपना कार, ये जो अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी जो अपना जो आपका सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, वो होता है कुरियर मोड में। अपने खुद के इनके इनके पास फ्लीट होता है पूरा का पूरा, यानी कि एयरप्लेन होता है जिसमें ये अपना कुरियर लेके, अपना प्रोडक्ट, आप लोगों का प्रोडक्ट लेके जाते हैं। कार्गो मोड ऑन द अदर हैंड ये होता है कि कार्गो मोड जब आप चूज़ करते हैं तो उसके बीच में एक फ्रेट फॉरवर्डर होता है। फ्रेट फॉरवर्डर जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक जैसे दूसरा कोई आप कार्गो प्लेन हो गया, दूसरा कोई जो इंटरनेशनल कार्गो प्लेन है जिसके पास, उससे हम अपना रेट लेते हैं। वो रेट लेके फिर हम आप उसमें थोड़ा सा मार्जिन जोड़ते हैं, उसमें कई सारे कॉस्ट और छोटे छोटे कॉस्ट इंक्लूड होते हैं, और फिर हम आपको एक कॉस्टिंग देते हैं आपके प्रोडक्ट की, उस इंडिया से कहीं और एक्सपोर्ट करने की या कहीं और से इंडिया में लेके आने की। तो सबसे बेसिक डिफरेंस यही होता है कि कुरियर मोड जो होता है, अगर आपका प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करना है, जल्दी एक्सपोर्ट करना है, वो 45 किलो से कम है और ज़्यादा उसकी वैल्यू भी नहीं है। तो मैं कहूँगा कि बिना आपको कॉम्प्लिकेट करते हुए इस टॉपिक को मैं बताऊँगा कि जो आपके लिए बेस्ट ट्रांसपोर्ट रहेगा वो रहेगा कुरियर मोड वाया यूपीएस, डीएचएल, फेडेक्स और कोई भी अदर टीएनटी या तीन चार और हैं उनके थ्रू। उससे आपको होगा ये कि ये एकदम आपको ईजी होगा, जल्दी पहुंचेगा, आपकी कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा कम आएगी। ऑन द अदर हैंड अगर आपका कार्गो मोर देन 45 होता, मैं तो ये कहूँगा कि आप 100 किलो तक भी कुरियर से भेज सकते हैं, आपकी कॉस्टिंग कहीं ना कहीं बहुत कम पड़ती है उसमें और जो आपका डिलीवरी होता है वो भी बहुत जल्दी हो जाता है। ऑन अदर हैंड जब और कुरियर मोड में आप कौन से प्रोडक्ट नहीं भेज सकते ये भी बता दूँ आपको। जो हैजर्डस प्रोडक्ट होता है, लाइव एनिमल्स हो गया, पेशेवर प्रोडक्ट होता है, इसके लिए आपको कुरियर कार्गो मोड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो बिल ऑफ एंट्री फाइलिंग होती है वो भी अलग होती है और जो हैंडलिंग होती है वो भी अलग होती है। तो अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है और आपका कार्गो जनरली 45 किलो से कम रहता है, तो आपको सबसे अच्छी डील कुरियर मोड में ही मिलेगी, जो कि वाया फेडेक्स, डीएचएल, यूपीएस, टीएनटी किसी के थ्रू भी हो सकती है। इस मोड में आपका प्रोडक्ट सबसे सेफली, इजीली और जल्दी और कॉस्टिंग वाइज भी आपको सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पड़ेगा इस मोड में अपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगर आपको इसके ऊपर पूरा वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा के, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।